बगैर ओवन के और बहुत ही कम खर्च के की यह रेसिपी इसको आप फॉलो करके घर से ही अपना एक मुनाफा बख्श कारोबार जो है वो छोटा सा शुरू कर सकते हैं केक बहुत ही सॉफ्ट बना है और जाली भी इसके अंदर बहुत ही शानदार बनी है ये वह ऐसी रेसिपी है जिसको हर किसी को बनाने का बहुत शौक़ होता है लेकिन कभी हमसे हार्ड बन जाता है और कभी कोई और मसला बन जाता है या जाली अच्छे से नहीं बन पाती तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को जरूर फुल वॉच करना है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा केक जो है बन के रेडी हो तो आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल का विजिट जरूर करें जजाकल्ला अस्सलाम वालेकुम अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफो मान में रखें अपनी इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का तो आज की ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले बर्तन को रेडी कर लेना है जिसमें हम केक को बेक करेंगे तो उस बर्तन में हमने यहाँ पे कागज़ लगा लिया है बटर पेपर नहीं है तो सादा कॉपी जो बच्चे यूज़ करते हैं घर में उसी को आप बर्तन के हिसाब से कट करके उसके पैंधे में लगा दें और हल्का सा इसको ग्रीस कर लें यानी कागज़ को भी और बर्तन को साइडों से भी और इसके बाद जिसमें हम इसको बेक करेंगे उसको हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है फ्लेम इसके नीचे जल रही है तो जी ये तैयारी हमने कर ली है पहले से अब कर लेते हैं बाकी का काम तो बाकी का काम करने के लिए सबसे पहले एक हमने साफ़ सुथरा बाउल लेना है और इस रेसिपी को हम दो अंडों से बनाएंगे तो देखें जी दो अंडे हमने तोड़ के यहाँ पे शामिल कर दिए हैं अगर आपको थोड़ा सा शक हो कि अंडे जो हैं वो सही नहीं निकलेंगे तो इनको आप अलग अलग तोड़ के इसमें शामिल करें दो अंडों के साथ यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम चीनी और 50 ग्राम ही मैदा इन चीज़ों को आपने सही तरीके से तोल के नाप के लेना है इसमें आपने कमी बेशी नहीं करनी नहीं तो केक जो है वो आपका परफेक्ट नहीं बनेगा चीनी हमने पहले पचास ग्राम ली है उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया है बारीक पाउडर फॉर्म में और उसके बाद यहाँ पर शामिल कर देंगे और जी ये देखें यहाँ पर बीटर की मदद से हम इसको बीट करेंगे इतना कि इसमें अच्छे से जो है फॉर्म बन जाए और सबसे ज़रूरी बात अंडे जो हमने लेने हैं वो ठंडे होने चाहिए अगर आप फ़ौरन केक बनाना चाहते हैं तो तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट के लिए अंडों को आप फ्रीज़र में रख दें अगर थोड़े टाइम पे बनाना है तो आप इसको नीचे फ्रिज वाले खाने में ही रख दें और अंडे जो हैं बस ठंडे होने चाहिए जब आप केक ये रेसिपी बनाएं तो जी ये देखें अच्छे से इसको बीट करेंगे कि फ़ोम आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनना स्टार्ट हो गई है इसमें बस चार से पाँच मिनट हमें लगेंगे इस तरह से अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए जो है थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी दस से पंद्रह या बीस मिनट भी लग जाएंगे इसको इतनी फॉम में आते हुए अंडों को तो जी ये देखें यहाँ पर हमें चार से पाँच मिनट लगे हैं इतना काम करने के लिए तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये फोम जो है वो अच्छे से रेडी हो गई है यहाँ पे बस अंडे आप लोगों ने जो लेने हैं ना वो ठंडे होने चाहिए गर्मियों के मौसम में बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना होता है तो जो हमारी रेसिपी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है अंडे बीट हो चुके हैं अब इसमें सिर्फ टू ड्रॉप्स जो है ना हमने डालने हैं वेला एसेंस के तो ज़्यादा बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे अगर ज़्यादा शामिल करेंगे तो आ, इसका टेस्ट जो है केक का वो कड़वा हो जाएगा तो सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे दो ड्रॉप से ही इस्तेमाल करने हैं वनीला एसेंस की अभी जो येलो येलो चीज़ आपको नज़र आई है वो मैंने वनीला एसेंस इसमें शामिल किया है और दोबारा से बीट कर लिया इसको यहाँ पे तो बस एक से डेढ़ मिनट दोबारा से बीट करेंगे तो जी इसको अब अच्छे से साफ करके हम निकाल लेंगे ये देखें जी आप लोग देख सकते हैं तो अब हमने लिया है पचास ग्राम मैदा और मैदे को छान कर शामिल करेंगे और साथ में ही देख रहे हैं आप लोग के टू से थ्री पिंच होगा आ, बेकिंग सोडा हमारे पास तो ये हमने यहाँ पे शामिल कर दिए इन दोनों चीज़ों को छान के अंडा अभी जो हमने रेडी किया है उसी बैटर में इसको डाल देंगे तो जी ये देखें पचास ग्राम चीनी और पचास ग्राम भी इसमें मैदा जाएगा दो अंडों के साथ और ना तो इसमें घी जाएगा ना ही दूध जाएगा तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दूध और इसमें जो है घी ऑयल क्यों नहीं जाएगा जब ये चीज़ इतनी चीज़ से परफेक्ट बन रही है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें शामिल करें तो जी ये देखें इसको जब हम मिक्स करेंगे तो इसको आपने ध्यान से देखना है फोल्ड एंड कट के मैथड से ही आपने के कि इस समीज़ को जो है वो मिक्स करना है ये देखिए आप लोग कट कर रहे हैं और हम इसको साइडों से फोल्ड करके कर ला रहे हैं फिर कट कर रहे हैं तो ये मेथड जो है आपने ज़रूर अप्लाई करना है तो जी ये देखें इसी तरह से केक का जो आप बैटर रेडी करेंगे वो इसी तरीके से रेडी होता है ये देखें कट एंड फोल्ड का ये मेथड आप लोगों ने ध्यान से देखना है ताकि रेसिपी जो है हमारी बहुत ही परफेक्ट बने ये देखें जी इस तरह से तो यकीन आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं चलिए जी बस अच्छे से बस हमने मिक्स करना है कि कोई गुटली या लम्स वगैरह इसमें ना रहे तो देखें जी रेडी हो गया ये हमारा काम और अभी जो हमने बर्तन पहले से रेडी करके रखा हुआ था सारा बैटर उसमें हम शामिल कर देंगे यहाँ पे और इसको सिर्फ दो बार में हम टैप करेंगे ज़्यादा भी टैप नहीं करना बर्तन को टैप इसलिए करेंगे ताकि अगर इसमें कोई एयर बबल आ गया ना तो वो ना रहे इसमें और कढ़ाई जो है इस टाइम पे काफ़ी गर्म है तो आप लोगों ने हाथ बचा के इस टाइम पे काम करना है क्योंकि हमने इसको प्री हीट किया है और उसके बाद जो है इसको लिड लगा देंगे और लिड लगाने के बाद इसको हम अच्छे से टाइट करके यहाँ पे किस तरह से बंद करेंगे तो जी आटा या मैदा दोनों में से कोई चीज़ ले आप उसको गूँध लें यहाँ पर और इस तरह से इसकी साइडों पर लगा दें और इस तरह के लिड के ऊपर होल होता है एक छोटा सा उसको भी आपने अच्छे से बंद कर देना है तो उस होल के ऊपर भी हमने आटा लगा दिया है और साइडों पे सारी साइडों पे हम अच्छे से इसको आटा लगा देंगे ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले तो जब आप कढ़ाई वगैरह में बेक करते हैं तो ये स्टेप आप लोगों ने ज़रूर करना है तो सारी साइडों पे हम अच्छे से आटा लगा देंगे इसको और इसको बेक होने के लिए रख देंगे तो फ्लेम जो है द, दम वाली फ्लेम ही हमने इसके नीचे रखनी है और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितनी टाइम में जो है ये रेडी हुआ है तो आप लोगों ने देखा कि इसमें ना तो हमने दूध का इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें हमने कोई घी या ऑयल का इस्तेमाल किया है इसके बग़ैर ही ये ज़बरदस्त बनेगा और घी जो इसमें हम डालते हैं उसी वजह से ये थोड़ा हैवी और मुंह में चिपचिपासा भी लगता है तो ये केक जो है बिल्कुल भी मुँह में जाके चिपकेगा नहीं बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा जब आप बनाएंगे लेकिन ये एक ऐसी रेसिपी है कि आपको दो से तीन बार में ज़रूर ट्राई करनी पड़ेगी तो फिर ही ये परफेक्ट बनेगी लेकिन हो सकता है कि पहली बार में ही आपसे अच्छी बन जाए इंशाल्लाह तो इस रेसिपी को आप लोगों ने बस ट्राई ज़रूर करना है और फीडबैक भी जरूर देना है कि कैसा बना आपका केक भी तो जी ये देखें यहाँ पे अब तकरीबन टाइम तो हो चुका है और लिड अभी मैं इसका रिमूव नहीं करूँगी पहले हम आ, उसी होल में से जिस पे हमने आटा लगाया था ये देखें जी पतली सी स्टिक मैंने अंदर डाल के इसको चेक किया है तो ये बिल्कुल ड्राई आई है तो इसका मतलब है केक हमारा रेडी हो चुका है तो इन दिनों में मैंने दो केक बनाए थे अगर आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ताकि अच्छे से जो है इसके नीचे वाली साइड पे भी कलर आ जाए लेकिन बस इतना ही जो है मुझे चाहिए तो मैं इसको अभी निकाल लूँगी फ्लेम हमने ऑफ कर दी है तो इतना टाइम जो है तकरीबन तीस से पैंतीस मिनट लगे हैं इसको तो जाली जो है अगर आप लोगों को कैमरा दिखा पाए तो बहुत ही देखें ज़बरदस्त बनी है इसके ऊपर ये देखें आप लोग देख रहे हैं और सॉफ्ट भी देखने में कितना लग रहा है तो अभी हम इसको निकाल लेंगे यहाँ से और इसको रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए तो एहतियात से निकालना है क्योंकि बड़ा बर्तन जो है वो इस टाइम पे काफ़ी गर्म है तो इतनी देर रखेंगे जितनी देर में बर्तन जो है वो ठंडा हो जाए हमारे छूने के काबिल हो जाए तो फिर हम इसको निकालते हैं बर्तन से आप इसके लिए कोई भी ये घर वाला इस तरह का बर्तन सेट कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर केक वाले मोल्ड हैं तो उसी में हम बना सकते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि इसीलिए मैंने इसको घर वाले बर्तन में ही बनाया है ताकि आप भी कोई बर्तन जो है इसी तरह से सेट करके इस रेसिपी को बना सकते हैं तो देख रहे हैं आप लोग मैंने इसकी साइडें छुड़ा ली हैं बस तो अब हम इसको ये देखें जी प्लेट में निकाल लेंगे तो कितने ज़बरदस्त तरीके से ये आ गया है बाहर कोई भी हमें मसला नहीं हुआ तो जी ये देखें जिस साइड से ये थोड़ा छूट रहा है उस साइड से आप इसको पकड़ लें तो लें ले, इजी से आप जो है इसका अभी हमने जो पेपर लगाया ना उसको हम इजी तरीके से निकाल लेंगे ये देखें अगर इसको आप पाँच से छः मिनट और देते तो इसका कलर जो है वो थोड़ा और डार्क हो जाना था लेकिन ये कोई इशू नहीं है तो जी ये देखिए हमने इसको निकाल लिया है और देख रहे हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त कलर भी इसका आया है और इसमें भी जाली भी आप लोगों को चेक करवाते हैं और सॉफ्ट भी बहुत बना है शुरू में आप लोग देख ही चुके हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है तो जी ये देखें ये दूसरा केक भी आप लोगों को दिखा देते हैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था तकरीबन तो पाँच से छः मिनट वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है तो जी देखिए उसको हमने मोल्ड में बनाया है और इसको हमने घर वाले बर्तन में बनाया है तो दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट बने हैं आप लोग देख सकते हैं जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि यह हमने खुद घर में रेडी किया है और वो भी इतनी कम चीज़ों से बस मेजरमेंट का आप लोगों ने ख्याल रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस केक को बनाने में यही है तो घर में इस तरह की छोटी नाइफ़ होती है कोशिश करें कि उससे ना ही कट करें कोई बड़ी नाइफ़ नहीं है तो आप सादा नल की घर में जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं उसको ले लें ये देखें इस तरह से और तकरीबन आप थोड़ा सा धागा जो इसे कट कर लें और इस तरह से इसको लगा के तो सिर्फ एक ही आपने यहाँ पे चक्कर देना है या आप एक गिरा भी लगा सकते हैं नॉट लगा सकते हैं तो जी ये देखिए इस तरह से उसको खींचेंगे धागे को हम तो देखें कितना इजीली जो है वो हम इसको कट कर पा रहे हैं ये देखिए अभी हम इसको हटा लेते हैं धागे को और अभी आपको दिखाते हैं देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है तो अभी हमने सिर्फ ये बेस रेडी की है अगर अगर हे ये देखिए आप लोग इसकी सॉफ्टनेस भी चेक करवा देते हैं कितना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल भी मुंह में जाके ये चिपकेगा नहीं तो देखिए माशा अलहमद जाली बहुत ही ज़बरदस्त बनी है अब इसके ऊपर जो है आप पहले बेस बनाना सीखें उसके बाद जो है इसकी डेकोरेट जो है उसको आप करें तो जी ये देखिए कितना सॉफ्ट बनाए आप तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल का विज़िट जरूर करें वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जजाकल्ला